धर्मेंद्र वाला फील तो लाओ। धर्मेंद्र ने नहीं बोला ऐसे। इतनी गदर मचा रखी है लोगों ने आप। Hey guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan. Today is Saturday. आज वो दिन आ ही गया है जब हम जा रहे हैं गदर 2 देखने। और काफी टाइम से पंकज बोल रहा था मुझे कि जब रिलीज होगी ना तब जाना ही जाना है हमको। मेरा इतना कोई बहुत मन नहीं था कि मैं देखूंगी, बट बिकॉज पंकज इज अ ह्यूज फैन ऑफ सनी देओल एंड देओल फैमिली, एक्चुअली हमें आज जाना ही था। एक्चुअली फर्स्ट वीकेंड पे हम नहीं गए ये सोच के कि बहुत भीड़ होगी और टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। वाकई में टिकट नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा एक वीक जाने देते हैं, थोड़ा सा देख भी लेंगे रिव्यूज वगैरह क्या है क्या नहीं। अगर रिव्यू खराब भी होते तब भी पंकज मुझे लेके ही जाता। What? एंड कुकू इज नॉट विद अस, नहीं तो आपको पीछे बैठा हुआ दिख जाता। दो रीजन है, एक तो वो अंदर धमाल मचा देगा, मूवी शूवी तो देखने ही नहीं देगा। दूसरा रीजन यही है कि अभी उसका सोने का टाइम हो रहा था। एक्चुअली जब भी कभी कुछ काम के लिए भी जाते हैं ना तो इस टाइम पे जाना प्रेफर करते हैं बिकॉज वो उसका नैप टाइम भी होता है तो 2 घंटे वो आराम से सो जाता है। द मेड साथ में है ही बट फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारी नज़रों से कम दूर रहे और हम उसके साथ ही रहें। इस टाइम पे जाना इसलिए हम प्रेफर करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी, अब दिन में पंकज उठ जाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो अब तो वैसे भी क्या बोलते हैं वो चेंज हो गया, जज्बात ही बदल चुके हैं। पंकज अब रात वाला इंसान नहीं रहा, वो मॉर्निंग वाला हो गया है, जबरदस्ती वाला हो गया है। मतलब ऐसा पंकज चाहता नहीं था बट अब क्या कर सकते हैं, जॉब तो जॉब ही है। तो बात कर रहे थे गदर की तो फिर मैं सोची थी पंकज से कुछ बातें की जाए और मैंने सोचा कि आज व्लॉग गाड़ी में ही करते हैं, ये जो टाइम जो यूटिलाइज भी हो जाएगा। इस बार सोचा GIP नहीं जाएंगे, वेब चलते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मूवी देखनी है और ऐसा कुछ खास शॉपिंग नहीं करनी है। कुछ मिल जाए तो बात अलग है, आस पास दिख जाए मुझे। तो पंकज कुछ गदर के बारे में बताया, मुझे पता है पूरा हिंदुस्तान ही प्यार करता है गदर और सनी देओल को, बट तुम इतना ज्यादा क्यों? और इवन तुम भी नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैंने देखा है, स्पेशली मेरे जो देवर है इनका छोटा भाई, वो तो मतलब इनसे भी ज्यादा बड़ा फैन बन चुका है, तो ऐसा क्यों है? बहुत गंभीर सवाल। मैं तो ऐसे रिपोर्टर की तरह बन गई हूँ, नहीं मैं वैसे ही जानना चाह रही हूँ, मतलब आपके जो फैंस हैं उनको पता चल जाएगा कि आप सनी देओल के इतने फैन क्यों हैं। फैंस है, फैन का पूछा। मतलब बड़े सिंपल लोग हैं जो अपने जैसे ही लगते हैं, उनकी वैल्यूज, उनका कल्चर, धर्म जी जैसे वो बड़े अभी भी खेती वेती करते रहते हैं, बड़ी जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं और फैमिली में आपस में बड़ा अपनापन है एक दूसरों के लिए, भाइयों के लिए, सनी वो भी या बहन जो कजन है इनका, आपस में एक दूसरे से बड़ा प्यार है। अच्छा तुम इसलिए भी करते हो क्योंकि तुम भी 3 भाई हो? हाँ 3 भाई हैं और आपस में हम लोग भी वैसे ही हैं। अच्छा। और ये लोग जैसे अपने फादर के सामने बोल नहीं पाते, थोड़ा झिझकते हैं, तो वो जो शर्म है वो चीजें वो हमारे अंदर भी है। पहली मूवी से बेताब से दामनी कौन बोल सकता है, घातक, घायल, बॉर्डर। चलो अगर आप तुमने दामनी की बात करी है तो पंकज ने मुझे इतने डायलॉग सुनाए मतलब पार्टी के टाइम पे तो सुना देते हैं पंकज, वैसे थोड़ा सा शर्म करता है, तो आज एक डायलॉग पंकज हो जाए। इसको समझा आगे याद नहीं आ रहा। तुम तब तक डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं था, तुमने बोलते थे कि तार पे वो जो पतंग होती है वो वाली। तार पे पतंग, ये कैसा डायलॉग हो सकता है तार पे? तुम्हें जो आता है इस वक्त वो बोल दो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें लंबा डायलॉग बोलना है, आप छोटा डायलॉग भी मार सकते हो। चट्टा ऐसे हथियार बाजार में बहुत मिलते हैं और इन्हें खेलने के लिए जो जिगर चाहिए होता है
मर्द लेके पैदा होता है। ये तो तुम्हारे मुंह से लग रहा है तुम मुझे धर्मेंद्र वाला फील तो लाओ। धर्मेंद्र ने नहीं बोला ऐसे। ड्राइविंग करते हुए कहां से डायलॉग? तो एक तो सुना दो। मैं निकला गड्डी लेके टिंग 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 हां ये कर लो पहले। ठीक है आपको एंटरटेनमेंट देना चाह रहे थे वो पंकज चाह नहीं रहा एंटरटेनमेंट देखने जाता हूं। कोई नहीं अब हम जब घर पहुंचेंगे ना शाम को एक्चुअल में रिव्यू देंगे कि मूवी कैसी है तो हम देखते हैं। 3 घंटे की मूवी सबसे बड़ी बात 90s के टाइम की मूवी है तो उस टाइम पे 3-3 घंटे की मूवी बना करती थी ना मोहब्बत है उस टाइम पे अच्छी लगती थी बट आप वो नहीं झेली। याद है उस मूवी के अंदर तो 2 ब्रेक थे 2 इंटरवल। गदर की मूवी याद है मैंने थिएटर पे मूवी 2 बार देखी थी 4 बार देखी थी सॉरी 4 बार मेरा फ्रेंड मोहम्मद फैज नाम बता रहा हूँ स्पेसिफिक वो 6 बार देख के आया था 2 बार उसने मेरे साथ देखी थी उसको भी इतनी पसंद आई थी। मैं 4 बार थिएटर आज तक मैंने कोई मूवी 2 बार भी नहीं देखी ये मूवी में 4 बार देख के आप थोड़ा सा टाइम भी है ओटीटी वाला हो गया ना अब लोग वेट करते हैं कि चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अब ओटीटी में देख लेंगे थिएटर का भी एक मजा है। ठीक है आई होप सब ठीक रहे। मैंने किसका पंकज ने मुझे KRK का रिव्यू दिखाया और गदर का तो हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए बट ठीक है एक बार एक्सपीरियंस तो करना बनता है यार के तो कुछ भी बोलेगा उससे थोड़ा ना मान जाएंगे। अभी चलते हैं फिर देखते हैं कैसी है मूवी बाय। ठीक है a few moments later it's already 4:30 and we are still in the parking हमें पार्किंग नहीं मिल रही है गलती करी है वेव में नहीं आना चाहिए था वेव इतना बड़ा नहीं है ना मुझे लग रहा है माय बैड इतनी एक्साइटमेंट थी थोड़ी मूवी निकल जाएगी वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है यार मुझे लग रहा है सारे लोग गदर ही देखने आएंगे इतनी गदर मचा रखी है लोगों ने यहाँ सैटरडे है भीड़ बहुत थी बड़ी मुश्किल से अंदर गए पूरी पार्किंग घूम कर आ गए लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिली हम फिर बाहर ही आए हैं आई एम नॉट श्योर कि अभी भी पार्किंग मिल रही है क्योंकि बाहर भी लोगों ने लगा रखी है अंदर भी लगा रखी है और उन्होंने पर्ची पहले काट ली नहीं पैसे भी ले हाँ पहले पैसे ले लिए अब घूमते रहो बड़े अजीब है यार यहाँ पे अब नहीं आएंगे दोबारा यहाँ वेव में ये कहाँ लगाएंगे हटा रहे होगे बस ठीक है भाई अंदर चलो भैया पार्किंग तो जुगाड़ हो गया जल्दी 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 5 मिनट हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं जितिया को हम घर छोड़ गए थे याद नहीं आई कुकु हमारी याद नहीं आई आपको आपको याद नहीं आई हमारी हम आज थिएटर में अकेले बैठ के मूवी देख रहे थे हाँ? और यहाँ पे तुम सो रहे थे मैंने बहुत मिस किया इसको जब जब वो जीतिया आ रहा था ना मुझे जीतिया की याद आ रही थी लो हम घर पहुंच चुके हैं थके हारे रात के 10:30 बज चुके हैं करी है और नींद इतनी आ रही थी मुझे एक्चुअली थक गए थे ना और कल इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के मूड में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे लग नहीं रहा था इतना टाइम लग जाएगा सी यू टुमारो तब तक के लिए बाय नेक्स्ट मॉर्निंग शाम के 5 बजे कौन उठता है कुका कुका शाम के 5 बजे कौन उठता है कुका उठता है
ये रात भर नाच करता है, ये छूने नहीं देता है किसी को, अरे सुबह सुबह भी नहीं उठता है, ये सीधे शाम को उठता है, ये बाबू भाई का स्टाइल है ना गंदा। नाक देख लो, नाक से खोल ले, आजकल नाक से खोलना सीख गया, मम्मा की बातें नहीं सुनेगा। चलो ताली बजा दो, चलो राधे राधे कर दो, राधे राधे कुकु, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, राधे 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 राधे। हाँ मेरा कुका, हाँ मेरा कुका, एक्शन दो, हेलो कि थोड़ी सी चिट चैट करी जाए, बिकॉज हमने कल जो मूवी देखी थी उसका रिव्यू नहीं किया था। मैं चाहती थी पंकज भी हो, बट पंकज हैड सम वर्क, तो वो बाहर लैपटॉप पे बैठा हुआ है। तो गदर 2 ऐसी मूवी है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मुझे अच्छी लगेगी, बट मुझे अच्छी लग गई। आई वॉज नेवर गदर फैन, माई हस्बैंड इज बिग फैन ऑफ सनी देओल एंड द एंटायर फैमिली, जो मैंने पहले भी बताया। ही ऑलवेज टोल्ड मी कि दिस काइंड ऑफ मूवी इज अ मास मूवी, दिस काइंड ऑफ मूवी इज अ क्लास मूवी। मैं बोलता गदर इज अ मास मूवी, मास मूवी मतलब जो बहुत लोग देखने जाते हैं और हर तबके के लोग देखने जाते हैं। गदर 1 का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 22 साल पहले आई थी जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, और मुझे ऑनेस्टली मेरी कोई मेमोरी नहीं है गदर के साथ। गाने वाने बहुत चले थे तो मुझे गानों का तो याद है, बट क्योंकि छोटे भी थे तो इतना याद भी नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्या मूवी में था जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे शायद नहीं भी अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अच्छी बात बताती हूँ कि सॉन्ग्स आर रियली नाइस, मतलब वो जो पुराना है 90s का जो एरा और जो वो फील था, वो फील हो रहा था उन सॉन्ग सुन के। और सबसे अच्छी बात जो गदर का जो मेन जो है वो निकला गड्डी लेके, उसके साथ कोई फालतू की छेड़छाड़ी नहीं हुई, वो सॉन्ग अभी भी उतना ही अच्छा लग रहा था, बल्कि और अच्छा लग रहा था मुझे। अब मुझे नहीं पता कि मैं जब से मूवी देख कर आई हूँ वही सॉन्ग क्यों सुनने जा रही हूँ। सबसे बेस्ट सॉन्ग तो मुझे वो लगा कल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, और वो मैं मतलब ऑन लूप सुनने जा रही हूँ। आई जस्ट कांट गेट ओवर दैट, I can't get over that song. I mean, story line मैं नहीं बोलूँगी उतनी अच्छी है जैसे गदर 1 में थी, इसमें उतना story line पे इतना ध्यान नहीं दिया है, but हाँ everything was good। मतलब newcomer जो हैं वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं थोड़ा सा उम्मीद कम कर रही थी, वो 3 घंटे की मूवी, सही में पंकज भी बोल रहा था और मुझे खुद भी फील हुआ, नहीं फील हुआ कि वो 3 घंटे हमने दिए, इसका मतलब ऑब्वियसली मूवी अच्छी थी, सॉन्ग अच्छे थे, मतलब एक्चुअली बांध ही रखा मूवी ने एंड तक। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या था कि जो हिंदुस्तानी वाली जो फीलिंग आती है वो आई, और मुझे पता नहीं क्यों मेरे को ज़्यादा आती है। मैं थोड़ा एक्चुअली एक्सप्रेसिव हो जाती हूँ जब ऐसा होता है, और एक दो बार तो मैं भैया चिल्ला भी पड़ी और नारे से भी लगाए जब आई कुड फील दैट। वो जो मास मूवीज होती है ना वो फील नहीं की थी आज तक थिएटर में, हाउसफुल जो थिएटर था एकदम, एंड या फुल पैकेज। और मुझे लगता है कि ये हाउसफुल रहेगी अभी काफ़ी टाइम तक। कुछ मूवीज होती है सीक्वल बनता है बट वो उतनी मतलब मज़ेदार नहीं होती, 19-20 कह सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत था, बीच में थोड़ा सा खींच दिया था, उस चीज को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो मूवी वॉज गुड। एक एक्टर की जरूर कमी फील हुई अमरीश पुरी की, अगर वो होते तो मेरे ख्याल से वो जो कमी रह गई थी मुझे लगता है वो भी पूरी हो जाती,
बट इट वॉज ऑल एंड ऑल अ गुड एक्सपीरियंस. हॉल में जाके देखने वाली मूवी है. और या इफ यू आर सनी देओल फैन, इवन इफ यू आर नॉट, यू शुड गो एंड वॉच. और मैं एक्चुअली शॉपिंग भी करी थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट मैं सोच रही थी मैं व्लॉग में दिखा दूंगी. बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक दूसरा वीडियो बना लूँगी जहाँ पे मैं सारी अपनी शॉपिंग का हॉल दिखा दूँगी, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग हो गया था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. इफ़ यू रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. सो टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल. बाय.